हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो गाइस, जैसे कि हमने अगस्त मंथ में एक चैलेंज रखा था कि 200 सब्सक्राइबर्स अचीव करने का, तो गाइस जैसे कि हमारे 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, तो उसके लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू है गाइस कि आप लोगों ने मेरा ये चैलेंज को पूरा करवाया। और साथ में हम लोग जैसे ग्रो कर रहे हैं वैसे ही ग्रो करते रहे, तो और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स भी हम लोग अचीव कर लेंगे। ओके गाइस, तो गाइस आज वीडियो है जो है वो है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट होता है उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया होता है और कुछ कुछ लोगों को वो इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आता है या कोई कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। तो वो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोल के आप लोग एक चेक कर सकते हैं और कैसे आप लोग एक बना सकते हैं, अच्छा सा वेबसाइट देख सकते हैं कि कैसे वेबसाइट अच्छा है क्या नहीं है, क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप लोग का कौन सा जानकारी इन्फॉर्मेशन है, कोर्स रिलेटेड जो सब इन्फॉर्मेशन होता है वो सब भी आप मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे लैपटॉप खोल के रखा है, तो लैपटॉप को मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर कर दूंगा, आप लोग वो देखते रहिएगा साथ में। ओके गाइज, तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि सबसे पहला जो हम लोग यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने वाले हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। ओके गाइज, ये लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है। मैं आप लोग को लेवल 1 क्यों बोल रहा हूँ ये सब भी बताऊंगा कि लेवल की ये लेवल 1 लेवल 2 में क्या डिफरेंस होता है, कैसे होता है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके गाइज, तो आज पहले शुरू करते हैं लेवल 1 की यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। ओके, और जो भी यूनिवर्सिटी होता है गाइज ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का जो भी वेबसाइट होता है उसमें edu.au हमेशा ही लगा रहता है। कोई भी वेबसाइट होगा जो ऑथेंटिक मतलब कि ओरिजिनल वेबसाइट होगा जो यूनिवर्सिटी का, उसमें AU लास्ट में होता ही है। AU मतलब ऑस्ट्रेलिया। ओके गाइज, तो चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा है यूनिसा का, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो जब तक ये लोड हो रहा है गाइज, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यूनिसा जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है, इसमें आप लोग को बैचलर्स प्रोग्राम फिर ऊपर से मास्टर्स प्रोग्राम ये सब जो होता है ये सब अवेलेबल होता है। तो अगर आप लोग बैचलर्स करने जाना चाहते हैं या मास्टर्स करने जाना चाहते हैं, आप ये यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी में से आता है और इसका यूनिवर्सिटी का रैंकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके गाइज, तो गाइज ये देख सकते हैं आप कि कैसा यूनिवर्सिटी है। ये है यूनिवर्सिटी का साइट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले रिसर्च है, स्टडी है, रिसर्च है, फिर कनेक्ट है। स्टडी में आप लोग को कोर्स मिल जाएगा और रिसर्च का रिसर्च प्रोग्राम्स वाला कोर्स सब मिलेगा, और कनेक्ट में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से कि आप लोग उनको मेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं किसी भी रिगार्डिंग, और यहाँ पे सर्च कि आप लोग डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले स्टडी में आप लोग को दिखाता हूँ कि स्टडी में क्या क्या ऑप्शंस है। ओके, तो स्टडी में आते ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग को डिग्री फाइन करना है या कुछ पूछना है ये सब दिया हुआ है। तो जैसे हम लोग, जैसे मैंने बीबीए किया है, तो मैं एमबीए करने के लिए आगे का मैंने जो कोर्स होगा वो एमबीए होगा, तो उसके लिए देखते हैं कि एमबीए का क्या सब कोर्स है। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख देता हूँ सिर्फ एमबीए। ओके, मैंने यहाँ पे एमबीए लिख दिया है गाइस। ओके, एमबीए लिख के मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं कि एवरीथिंग डिग्री एंड कोर्सेज और पीपल, ये तीनों में क्या डिफरेंस है। एवरीथिंग में डिग्री भी आ जाएगा, ठीक है, आप लोगों को कोर्सेज भी अच्छा मतलब कि डिग्री जो कोर्सेज है वो सब दिखा देगा और साथ में अलग अलग चीज बहुत सारा कुछ दिखा देगा। लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ पर्टिकुलर डिग्री देखना है तो डिग्री के लिए आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने एमबीए लिखा तो आ गया इंटरनेशनल मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके गाइस, तो हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का यहाँ पे होता है कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ओके, जो बेसिकली ग्लोबली होता है, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन जो बाहर के जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे आप लोग इंटरनेशनल एमबीए, ग्लोबल एमबीए ये सब आप लोग को बहुत सारा देखने मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी वही नॉन सेम एमबीए ही है, लेकिन और थोड़ा अच्छा है क्योंकि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी होता है बहुत जगह से। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल एमबीए दिया हुआ है, और उसके बाद मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे एमबीए भी, इंटरनेशनल एमबीए भी मिल जाएगा, फिर साथ ही साथ सिर्फ नॉर्मल एमबीए भी मिल जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की किस फील्ड में आप लोग को जाना है, एमबीए में स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना पड़ता है, तो वो स्पेशलाइजेशन सब चीज में रहता है। जैसे इंटरनेशनल में भी आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा और नॉर्मल एमबीए के डिग्री में भी स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फिर इंटरनेशनल एमबीए में मार्केटिंग आ गया, फिर उसके बाद फाइनेंस है, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो देखिए आप लोग को, अगर आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है नॉर्मल, इसमें आप देख सकते हैं ड्यूरेशन 1.5 ईयर्स है। ओके, और जो इंटरनेशनल एमबीए है इसमें ड्यूरेशन है 2 ईयर्स का।
तो 1.5 ईयर 2 ईयर्स का मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मास्टर्स करने जा रहे हैं तो कोई भी डिग्री जो मास्टर्स आप करने जा रहे हैं उसको 2 ईयर्स का ही सिलेक्ट करिएगा, 1.5 ईयर्स का सिलेक्ट कभी मत करिएगा, कभी वो नहीं करने जाइएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप लोग का सिर्फ 1 ईयर ही रिकॉग्नाइज होगा वीजा की तरफ से। तो 1 ईयर रिकॉग्नाइज होने से आप लोग का सिर्फ 2 साल का या तो 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग 2 ईयर्स का कोई भी डिग्री करने जाते हैं मास्टर्स, बैचलर्स वाला तो 3 ईयर्स का ही होता है, अगर मास्टर्स का कोई भी 2 साल का डिग्री करने जाते हैं तो आप लोग को रीजनल एरिया में अगर आप लोग जाएंगे तो उसमें ज्यादा आप लोगों को वर्क परमिट मिलेगा रहने का, और जैसे कि आप लोग सिटी एरिया में जाएंगे तो उसमें हो सकता है कुछ साल कम मिले लेकिन अच्छा होता है। ओके, तो हमेशा 2 ईयर्स का ही सिलेक्ट करेगा, उससे आप लोग को ज्यादा वर्क परमिट मिलेगा। ये जो रीजनल और सिटी है इसको हम लोग बाद में अलग वीडियो में डिफाइन करेंगे। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये एक इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट मास्टर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ा है मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब इसका सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि नीचे आते ही स्टार्ट डेट की कौन कौन सा इंटेक होता है। ये जो स्टार्ट डेट है ये सब बेसिकली एक इंटेक है कि फरवरी जुलाई, ये 2 इंटेक होता है। ओके गाइस, हमेशा और कोई भी यूनिवर्सिटी में बेसिकली 2 या 3 इंटेक होते हैं, एक तो होता है फरवरी, एक तो होता है जुलाई इंटेक और एक तो होता है नवंबर इंटेक। कभी कभार ये सब चेंज होता है, कभी कभी कोई यूनिवर्सिटी में नवंबर इंटेक का जगह आप लोग को सितंबर मिल जाएगा या अक्टूबर इंटेक मिल जाएगा या अगस्त इंटेक भी मिल सकता है। ओके, आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट डेट दिया हुआ है, फिर आप लोग देख सकते हैं प्रोग्राम कोड दिया हुआ है, प्रोग्राम कोड क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी है। अगर आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ पीटी दिख रहा है, आईएएस दिख रहा है, तो ये मत कंफ्यूज होगा कि मैंने तो पीटी या टॉफल्स किया है तो मेरा क्या होगा, लेकिन वैसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नीचे जाके देख सकते हैं कि वहां पे क्या क्या इक्विवेलेंट इंग्लिश क्वालिफिकेशन आप लोग को लगेगा। ओके, और यहाँ पे आप लोग कैंपस भी दिखा देगा कि आप लोग कौन सा कैंपस होगा। ठीक है गाइस, जैसे कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया का साउथ ऑस्ट्रेलिया पार्ट है तो उसमें है, और ये जो है वो बेसिकली एडिलेड में है। ठीक है, तो एडिलेड में जो है वो कैंपस जो है एडिलेड सिटी वेस्ट में है। ओके, इसका आप लोग को फीस भी दिखा देगा, आप लोग का फीस देख सकते हैं कि AUD 37,700 पर एनम। इसमें आप लोग को बेसिकली क्या होता है गाइस कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी आप लोग को फीस शो करता है, चाहे वो कोई भी डिग्री हो या डिप्लोमा हो, वो बेसिकली आप लोग को दिखाता है पर एनम के हिसाब से। आप लोग का 2 ईयर का कोर्स है लेकिन आप लोग को पर एनम के हिसाब से दिखाएगा। ओके, तो आप लोग उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और आप लोग को स्कॉलरशिप तो मिलता ही है, ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है ये। ठीक है, ये स्कॉलरशिप जब आप अप्लाई करेंगे तो आप जो एलिजिबल होगा स्कॉलरशिप के लिए, जैसे हम इंडियन स्टूडेंट्स क्या है या बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लोग होते हैं वो इंटरनेशनली स्कॉलरशिप के लिए मतलब कि पहले से ही एलिजिबल होते हैं, तो वो लोग को स्कॉलरशिप मिल जाती है। जैसे मैंने अप्लाई किया था यूनिसा में, मैं अपना ऑफर लेटर दिखाऊंगा आप लोग को किसी और वीडियो में। ओके, तो मैंने जो यूनिसा में अप्लाई किया था, मैं यूनिसा मतलब कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, ओके गाइस, ये शॉर्ट फॉर्म है उसका यूनिसा। तो मैंने जो यूनिसा में अप्लाई किया था तो उसमें मुझे 15% की स्कॉलरशिप मिली है। ठीक है, 15% की स्कॉलरशिप में एक तो कंडीशन भी है उसमें कि हम कि मुझे एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ जीपीए रखना ही पड़ेगा, अगर मैं वो पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ जीपीए नहीं रखता हूं तो मेरा स्कॉलरशिप हट जाएगा। ओके, तो जो पर्टिकुलर मान लीजिए कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप तो लग के ही आएगा आप लोग का ऑफर लेटर में। ओके, सेकंड सेमेस्टर में मान लीजिए आप लोग का जीपीए उतना नहीं आया लेकिन थर्ड सेमेस्टर में है, तो आप लोग का सेकंड सेमेस्टर में वो स्कॉलरशिप नहीं लगेगा, थर्ड सेमेस्टर में फिर से लग जाएगा। ओके, मतलब कि जब आप उतना मिनिमम जीपीए रखेंगे तो आप लोग का स्कॉलरशिप लगेगा, अगर नहीं रखेंगे तो नहीं रहेगा, वो सब नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए होता है। ओके गाइस, तो जैसा कि आप सब यहाँ पे फीस भी देख सकते हैं और यहाँ पे ड्यूरेशन फुल टर्म, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि 2 ईयर्स का कोई भी डिग्री हो 2 ईयर्स का लेके जाइएगा, मिनिमम टू मिनिमम 2 ईयर्स का। ओके, डिप्लोमा वाला के लिए अलग है, डिप्लोमा में भी 2 ईयर्स का होता है, लेकिन अगर कोई भी आप डिग्री लेते हो मिनिमम टू मिनिमम 2 ईयर्स का रखिएगा ही रखिएगा, क्योंकि 1.5 ईयर्स का रखने से आप लोग को 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, 2 ईयर्स का रखने से बेसिकली 3 या 4 साल का आप लोग को वर्क परमिट मिल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग को कि 2 ईयर्स का डिग्री आप चूज करिएगा ही करिएगा, अगर कहीं पे 1.5 लिखा हुआ है या 1 लिखा है तो उसको चूज मत करिएगा गाइस। ओके, जिसमें 2 ईयर्स लिखा हुआ है उसी को चूज करिएगा, ठीक है, वरना आप लोग को आगे जाके बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिर गाइस आप नीचे भी जाके देख सकते हैं, अगर आप लोग को फुल एंट्री रिक्वायरमेंट देखना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एंट्री रिक्वायरमेंट से आप लोग को दिया हुआ है साफ साफ। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या एंट्री रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। और हाँ गाइस, अभी बेसिकली हम लोग क्या, जैसे कनाडा में क्या होता है कि एमबीए के लिए वहाँ पे हम लोग को जैसे जीटी का टेस्ट देना पड़ता है, फिर ऊपर से हम लोग को चाहिए होता है कि वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन अगर कोई जीटी का टेस्ट नहीं देना चाहता है, ठीक है, जीटी बोल रहा हूँ, कोई जीमेट का टेस्ट नहीं देना चाहता है या जीआरडी का टेस्ट कोई नहीं देना चाहता है, ओके, तो वो क्या कर सकते, तो जीआरडी और जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है तो वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ की यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज में आती है, यहाँ का कोई भी ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज में आता है। ओके, तो आप लोगों को कोई चिंता करने का दरकार नहीं है कि कौन सा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें कौन सा नहीं सिलेक्ट करें। ओके, लेवल 1 का यूनिवर्सिटी कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, वो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वैसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके,
यहाँ पे बेसिकली मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों को ग्रेजुएट सर्टिफिकेट चाहिए, जो आप लोगों ने बैचलर्स किया हुआ है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए। ओके गाइस, जैसे कि मैंने बीबीए किया है तो मैं जो नेक्स्ट मास्टर्स होगा वो एमबीए होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एमबीए के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आप लोग को मैंने जैसे कि बता दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो सब होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ब्रोशर दिया हुआ है कि आप लोग ब्रोशर डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। फिर इंक्वायरी देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, एंट्री रिक्वायरमेंट जैसे हम लोग देख लिया। फिर डिग्री ओवर रिव्यू, डिग्री ओवर रिव्यू में बेसिकली आप लोग जाकर देख सकते हैं कि डिग्री कैसा है, क्या क्या आप लोग को ऑफर किया जाएगा ये 2 साल का एमबीए में। ठीक है, अगर आप लोग फिर वहां पे आएंगे तो कैरियर आउटकम्स भी देख सकते हैं कि आप लोग इससे क्या क्या बन सकते हैं। जैसे मार्केटिंग देने के बाद मार्केटिंग मैनेजर बना जा सकता है, विजुअल कम्युनिकेशन मैनेजर्स बना जा सकता है, ब्रांड मैनेजर बना जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मल हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है और स्टडी एक्सपीरियंस। ओके, ये सब आपका एजेंट कर देगा हाउ टू अप्लाई। आप लोगों को सिर्फ अपना कोर्स सिलेक्ट करके जाना है। गाइस, मैं बार बार आप लोग कह रहा हूँ कि आप लोग को जो कोर्स पसंद है वही कोर्स पर जाइएगा, आपका एजेंट जो बोल रहा है उस कोर्स पर मत जाइएगा, क्योंकि उसमें जो एजेंट जो यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं या जो कोर्स सजेस्ट करते हैं उसमें उन लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होता है। ओके, इसलिए आप लोग को वो कोर्स सजेस्ट करते हैं या वो यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं जिसमें आप लोग को इंटरेस्ट है गाइस, वही यूनिवर्सिटी और वही कोर्स में आप जाइएगा। ओके, जिसमें आप लोग का रेलिवेंसी बन रहा है। अगर रेलिवेंसी नहीं बन रहा है, अगर आप लोग रेलिवेंसी हट के कहीं कोई और कोर्स जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बीबीए किया है, अब मैं जाऊँ तो एमएससी करने के लिए अप्लाई करूँ तो वैसा नहीं होगा, मुझे ना ही ऑफर लेटर आएगा ना ही वीजा आएगा। अगर ऑफर लेटर आ भी गया तो वीजा नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो ऐसे ये रहा पहला। अगर आप लोग दूसरा देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को नेक्स्ट यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ, तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड। ओके, ये है टॉप 8 यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप 8 यूनिवर्सिटी है वो जो बहुत ज्यादा महंगे और हाई लेवल की यूनिवर्सिटी होते हैं। ओके, ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग सेम ही पढ़ाई होता है हर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चाहे वो टॉप 8 में आता हो या कोई टॉप 8 के नीचे आता हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो टॉप 8 यूनिवर्सिटी होते हैं वो बेसिकली बहुत ज्यादा आपसे पैसे चार्ज करते हैं और साथ ही साथ उनका थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता ही है उनका स्टडी में। ओके, तो जैसे कि मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ, देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड। ठीक है, आप लोग देखिएगा बार बार कि www.adelaide.edu.au, ये edu.au जिसमें होगा वही एक जेन्युइन साइट होगा ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का। ठीक है, आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आप लोग स्टडी एट एडिलेड में आके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वर्क, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वर्क और रिसर्च, पोस्ट ग्रेजुएट और कोर्स वर्क और रिसर्च में क्या होता है, कोर्स वर्क में मतलब कि आप लोग को पढ़ाया जाएगा, रिसर्च में आप लोग को कोई एक पर्टिकुलर चीज पे रिसर्च की जाए, जैसे बेसिकली वो पीएचडी के लिए होता है, तो उससे हम लोगों को ये मतलब है नहीं। ठीक है, तो स्टडी कोर्स वर्क डिग्री में आप लोग जैसे यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जैसे कुछ भी सर्च करें, जैसे एमबीए सर्च कर सकते हैं, या देखिए एमबीए क्रेडिट या ग्रेजुएट एंट्री, यहाँ सब पे आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं जाके, या आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे डिग्री फाइंडर में जाते हैं डायरेक्ट, तो वहाँ पे आप लोग को दिखा देगा कौन कौन सा डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग का अकाउंटिंग आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, हेल्थ आ गया, एनिमल एंड वेटरनरी आ गया, आर्किटेक्चर, आर्ट्स, बायोमेडिकल, बिजनेस। तो जैसे कि मैं बिजनेस में आया तो बिजनेस में मैं सिलेक्ट कर लिया। ठीक है गाइस, हाँ तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री फाइंडर में आके, बिजनेस में आके। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्सप्लोर डिग्री इन बिजनेस, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो होगा उस पर हटा दीजिएगा, टिक मार्क हटा दीजिएगा, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट पे टिक मार्क रहने दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेजुएट सर्टिफिकेट में क्या क्या आ गया। ठीक है, सर्टिफिकेट वाला कोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा वाला भी नहीं, हम लोग को सीधा मास्टर्स बाय कोर्स वर्क में आ जाना है। ओके, जैसे मास्टर ऑफ अकाउंटिंग मेलबर्न कैंपस, मतलब कि अब मेलबर्न में भी इनका कैंपस है, बहुत सारा होता है यूनिवर्सिटी का जो ऑस्ट्रेलिया में जगह जगह पे कैंपस होते हैं और बाहर देश में भी कैंपस होते हैं। ओके, तो वो सब दिखा रहे हैं, जैसे मेलबर्न कैंपस में मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग करने जा सकते हैं, या चाहे तो आप मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं, मतलब एडिलेड में भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर एडिलेड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सिंगापुर में भी है, तो आप चाहे तो सिंगापुर में भी जा सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन डिग्री है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं और देश में पढ़ना है, तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि एक तो डिग्री सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस एनालिटी, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटी, मास्टर्स ऑफ फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मास्टर ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट ही सिलेक्ट कर लिया जाए। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि यूनिवर्सिटी का कैसे आप लोग को देख के पता चलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग जब भी सिलेक्ट करें तो उसके बाद इंटरनेशनल पे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो होता है वो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स पे आप बेसिकली मतलब कि सेट होता है। तो आप लोग एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है हम लोग, तो इंटरनेशनल पे आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर एंट्री रिक्वायरमेंट आप चेक कर सकते हैं, फीस एंड स्कॉलरशिप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट का कितना फीस लग रहा है, $49,000 पर मंथ पर ईयर लग रहा है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि 49,000 पर ईयर,
ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी वैल्यू चल रहा है 56, तो आप लोग 49,000 इंटू 56 कर ही सकते हैं। तो गाइज जैसे कि मैं बता रहा था कि टॉप 8 के जो यूनिवर्सिटीज होते हैं, ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में उनको, उनका बहुत हाई डिमांड रहता है और साथ ही साथ उनका फीस भी बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो मेरा तो यहाँ, मैंने भी यहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है, मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग में, तो मैं मुझे वहाँ से ऑफर लेटर भी आया हुआ है, साथ ही साथ 30% का स्कॉलरशिप भी मिला हुआ है। वो गाइज सबको मिलता है 30% का स्कॉलरशिप, हर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलता है। ओके गाइज, तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटर, जैसा कि मैंने कहा था आप लोग को कि यहाँ पे 49,000 पर एनुअल में लगता है, मतलब कि पर ईयर लगता है आप लोग को फीस। तो आप लोग देख सकते हैं दो साल का हो गया $98,000। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ग्रुप ऑफ एट यूनिवर्सिटी जो होती है ऑस्ट्रेलिया की, 8 यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ 8 में आती है, तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड है ये 8 नंबर पर फॉल करती है। तो ऐसे ही जो सब ग्रुप ऑफ 8 के अंदर जो यूनिवर्सिटी सब आती है वो सब बहुत ज्यादा चार्ज करता है। ओके, और वो लोग का पढ़ाई भी वैसे ही होता है लेकिन बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते समय। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो आप लोग कोई ऐसा पर्टिकुलर स्कॉलरशिप नहीं दिखाएगा बोल के कि आप लोग को इतना परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। कोई कोई यूनिवर्सिटी में क्या होता है गाइज कि आप लोग को स्कॉलरशिप में वहां पर लिखा नाम बता देता है स्कॉलरशिप का, इंटरनेशनल स्टूडेंट मेरिट स्कॉलरशिप हो गया या कुछ ऐसे स्कॉलरशिप का नाम बता देगा। ठीक है, उससे आप लोग कैलकुलेट बेसिकली नहीं कर पाएंगे, पर बेसिकली क्या होता है कि 30% तक का स्कॉलरशिप हर यूनिवर्सिटी में मिलता ही मिलता है आप लोग को। ओके, अगर आप लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट से अप्लाई कर रहे हैं तो 30% का स्कॉलरशिप आप लोग को हर यूनिवर्सिटी में मिलेगा। हो सकता है कि आप लोग को 10 मिले, 20 मिले या डायरेक्ट 30 मिले। जैसे कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में अप्लाई किया था, जो मेरा ऑफर लेटर आया है अनकंडीशनल, उसमें मुझे 30% का स्कॉलरशिप मिला है। ओके, तो वैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में 15% का मिला है। ठीक है, तो किसी किसी में क्या होता है कि 10 मिलता है 30 में, तो वो सब डिपेंड करता है। ओके, और साथ ही साथ आप लोग को ये मेंटेन करना पड़ेगा ग्रेड की नहीं मेंटेन करना पड़ेगा, वो भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया में मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो नहीं मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, और मैं आप लोग को और एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आप लोग को फंड शो करना पड़ता है। ओके, उतना फंड शो करना पड़ता है। जैसे महंगा यूनिवर्सिटी होता है तो आप लोग को ज्यादा फंड शो करना पड़ता है। ठीक है, सस्ता यूनिवर्सिटी होगा तो कम फंड शो करना पड़ेगा। वैसे ये डिपेंड करता है हर जगह पे। ठीक है, उनको नहीं पता है, कोई यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मालूम है। ठीक है, तो आप सिंपली जाके गूगल पे लिखेगा ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में आप लोग का नाम दिखा देगा। जैसे कि मैं आप लोग बता दूं, मोनाश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न हो गया, ये सब जो है ये सब ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी में का अंडर आता है। तो ये लोग का जो फीस होगा वो बहुत ज्यादा ही होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है गाइस, तो ये सब आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग अपना ही रिसर्च करिएगा, क्योंकि अपना रिसर्च करने से क्या होगा गाइस कि जब आप लोग का जीटी का इंटरव्यू होगा तो आप लोग को बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है गाइस, तो उसमें आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा कि कुछ खोल के देखे या कोई पेपर पे देखे खोल के, या मोबाइल में चेक कर लें या कौन लैपटॉप में चेक कर लें, वैसे टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, तो आप लोग अपना ही जितना हो सके रिसर्च करिएगा। ओके, और स्कॉलरशिप का मैंने बता ही दिया है आपको, कोर्स ड्यूरेशन जैसा कि मैंने कहा है कि 2 ईयर्स का सिलेक्ट करना है। ठीक है गाइस, तो ऐसे करके आप लोग यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का देख सकते हैं, और कोई जो जो कोर्स आप लोगों को पसंद है वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी गाइस यूनिवर्सिटी वर्सेस कॉलेज, उसमें मैं आप लोग को लेवल 1 और लेवल 2 का भी बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप लोग क्या चूज करना चाहिए क्या नहीं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।